जंगल में टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया रहा करते थे। टूना चिड़ा बहुत ही गुस्से वाला और बुरा इंसान था। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो टूनी, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए इस बार। तुमने चार बेटियां वैसे भी पैदा कर दी हैं, इस बार अगर बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं थोड़ी ना जानकर बेटी पैदा करती हूँ, वो तो सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। और अगर इसमें गलती मेरी है तो इसमें गलती आपकी भी है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी गलती बता रही है, इसमें मेरी गलती है, सारी गलती तेरी और गलती मेरी बता रही है। रुक, तुझे बताता हूँ। फिर टूना चिड़ा टूनी चिड़िया को डंडी से पीटता है। कुछ समय बीत जाता है और टूनी चिड़िया फिर से एक बेटी को जन्म देती है। टूना चिड़ा गुस्से में घर आता है और टूनी चिड़िया से पूछता है, अरे टूनी, मेरा बच्चा तो आ गया है, बता इस बार क्या हुआ? बेटा ही हुआ है ना? बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। टूनी चिड़िया बहुत डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए कि बेटी हुई है। अजी, इस बार भी बेटी ही हुई है, बेटा नहीं हुआ इस बार भी। क्या कहा तूने? फिर से तूने बेटी को जन्म दिया? चार चार बेटियों का बोझ वैसे ही ढो रहा हूँ, अब ये पांचवी भी आ गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर टूना चिड़ा डंडी से फिर से टूनी चिड़िया को मारता है और उसे बहुत देर तक पीटता है। ज़्यादा देर तक पीटने के कारण उसके खून निकलने लगता है। फिर उसके बच्चे उससे कहते हैं, पापा मम्मा को छोड़ दीजिए, माँ को खून निकल रहा है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें छोड़ दीजिए वरना माँ मर जाएगी। इसने जो गलती करी है उसकी सजा तो इसे मिलेगी ही, तुम सब बीच में मत बोलो वरना तुम लोगों को भी मैं अभी बता दूंगा। फिर चिड़िया को पीटने के बाद, दोस्तों क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चिड़िया वहाँ से चला जाता है। फिर मिट्टू तोता आवाज़ सुनकर अंदर आता है। टूनी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें फिर से उस टूना चिड़ा ने मारा? इस टूना चिड़ा की हिम्मत तो बहुत बढ़ती जा रही है, तुम इतनी जख्मी हो। हाँ मिट्टू भैया, आज फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा, क्योंकि आज मेरी पांचवी बेटी हुई है। वो बेटा चाहते थे लेकिन फिर से बेटी हो गई, अब ना जाने वो क्या करने वाले हैं। टूनी बहन, तुम चिंता मत करो, ये चिड़ा तो बस ऐसे ही ज़्यादा बोल रहा है, तुम अपने जख्मों का इलाज करो, बस तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी बच्चियों का कौन ध्यान रखेगा, और ये चिड़ा तो बस यूं ही बोल रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। चिड़ा एक जगह पर बैठा होता है, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे टूना, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हो गया है? क्या आज फिर से तुम्हारी लड़ाई हुई? नहीं कालू, लड़ाई नहीं हुई, इस टूनी ने फिर से एक बेटी को पैदा कर दिया। चार बेटियाँ वैसे ही पहले से थी, एक भी बेटा ना दे सकी मुझे। मेरे सर पर तो पांच बेटियों का बोझ हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। टूना, तुम मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हारे दुख को कम करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो अपनी बेटियों को बेच दो, तुम्हें इसकी बहुत अच्छी रकम मिलेगी। मैं तुम्हें उस सौदागर के पास लेकर चलता हूँ। सौदागर? ये कौन है और वो मुझे पैसे क्यों देगा? वो चिड़िया का सौदा करता है, वह हमसे खरीद कर फिर और महंगे दामों में दूसरों को बेचता है। जो चिड़िया
को स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाते हैं। लेकिन मुझे भी कुछ पैसे देना होगा, तभी मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलूंगा। टूना चिड़ा को कौवे का सुझाव बहुत अच्छा लगता है, चला जाता है, घर पर पहुंच जाता है। घर जाकर टूना चिड़ा देखता है कि टूनी चिड़िया तो घर पर नहीं है। फिर वो अपनी सारी बेटियों को एक पिंजरे में लेता है, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। अजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बेटियों को पिंजरे में बंद करके कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं तेरी बेटियों को बेचने जा रहा हूँ, कम से कम मेरे कुछ काम तो आएंगी। इनसे बेचकर मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा, उससे मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूँगा। बेटा तो दूध दे ना सकी, कम से कम इनसे मैं कुछ तो पैसा वसूल कर लूँ। अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी बेटियाँ हैं, इन्हें आप बेच नहीं सकते, मैं आपको बेचने नहीं जाने दूँगी। अच्छा, तो अब तू मुझे रोकेगी? अब रुक, तुझे भी मैं बेच के लाता हूँ और तुझसे भी मैं कुछ पैसे वसूल करता हूँ। फिर टूना चिड़ा टूनी चिड़िया को भी उस पिंजरे में बंद कर देता है, सभी को लेकर सौदागर के पास पहुँच जाता है। बोलो सौदागर, क्या दाम लगाओगे इन सब का? मैं इन छोटी चिड़ियों का 2 लाख दूंगा, लेकिन इस बड़ी चिड़िया का मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं इस बड़ी चिड़िया को नहीं खरीदता, क्योंकि दूसरे सौदागर इस बड़ी चिड़िया की कोई खरीदार नहीं है। ठीक है, बड़ी चिड़िया को मत लो, मगर इस छोटी चिड़िया को तो 3 लाख लूँगा, तभी मैं इन्हें बेचूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 लाख दे दूँगा। फिर टूना चिड़ा अपनी बेटियों को और टूनी चिड़िया को लेकर घर पहुंच जाता है, और टूनी चिड़िया को वो एक पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वह घर से कहीं चला जाता है, तभी वहां पर मिट्टू तोता आ जाता है। टूनी, ये तुम्हें किसने बंद कर दिया पिंजरे में? तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? मिट्टू भैया, मेरी बेटियों को तो ये दुष्ट चुना चिड़ा बेच आया है, उसका सौदा कर दिया, मुझे भी बेचने ले गया था, वो तो सौदागर ने मुझे खरीदा नहीं। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकालो, मुझे अपनी बेटियों को बचाना है। चिड़िया ऐसा कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर टूना चिड़ा आ जाता है और मिट्टू तोता को देख लेता है। फिर मिट्टू तोता को भी वो एक पिंजरे में बंद कर देता है। आज रात तुम दोनों आराम से यहीं सो लो, कल मैं तुम्हें इंसानों के सौदागर के पास लेकर जाऊंगा। तुमसे भी तो पैसे वसूल करने हैं मुझे। चिड़िया ये सुनकर बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि उसकी बेटियों का क्या होगा। कुछ देर टूना चिड़ा सो जाता है, तब चिड़िया मिट्टू तोता से कहती है, मिट्टू भैया, मेरा पिंजरा किसी भी तरीके से आप गिरा दें, जिससे मेरा पिंजरा खुल जाएगा, मैं अपनी बेटियों को जल्दी से जल्दी बचा सकूंगी। फिर मिट्टू तोता पिंजरे को उड़ता है, लेकिन पिंजरा तो टूना चिड़ा के ऊपर गिर जा है और टूना चिड़ा वहीं पर मर जाता है। अरे, लगता है टूना चिड़ा तो मर गया है। टूनी, तुम मुझे भी निकाल दो, वरना कहीं ये पैसे उठ गया तो हम दोनों को जाने नहीं देगा। नहीं मिट्टू भैया, अब ये कभी नहीं उठेगा, इसको इसके किए की सजा मिल गई है, अब मुझे मेरी बेटियों को जाकर जल्दी से बचाना है, चलिए हम दोनों साथ में जाएं। फिर चिड़िया और मिट्टू तोता दोनों सौदागर के यहाँ पहुँच जाते हैं, देखते हैं तो सौदागर सोया हुआ था। फिर चिड़िया एक डंडे से सौदागर के सर पर वार करती है, फिर सौदागर के सर से खून निकलने लगता है और सौदागर भी मर जाता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर भाग जाती है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, तुम्हारी माँ देर से आई, क्योंकि तुम्हारे पापा ने तो मुझे भी बंद कर दिया था। बस तुम सुरक्षित हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हम मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। हाँ माँ, अब हम बहुत दूर जाएंगे, पापा से बहुत दूर, हम सब मिलके खुशी खुशी जीवन जिएंगे।
फिर चिड़िया और उसकी बेटियाँ अपनी ज़िंदगी जीने लगती हैं।